प्रतिष्ठा में आमंत्रण को अस्वीकार किया है सोनिया जी ने, मोदी जी ने, इसका जनता पे बड़ा विपरीत असर पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसको ठीक मानते हैं स्टेप को या नहीं मानते? ऐसा है, भगवान राम की जो भावना है वो सर्वविदित है, राम और भारतवर्ष है, और जो हिंदू धर्म को मानने वाली जो एक विश्वास एक भरोसा है वो अंतरात्मा की बात है, एक विश्वास की बात है। और मैं मानता हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू रीति रिवाज हिंदू पद्धति से अपना जीवन यापन करता हूँ, ऐसे आप लोग भी करते हैं, ऐसे हमारे परिवार के हजारों करोड़ों अरबों लोग करते हैं। 100% कांग्रेस के परिवार के लोग जो राम में विश्वास रखते हैं वो परिवार के लोग दर्शन भी करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और बार बार करेंगे। जितने तीर्थ हैं 100% जाऊंगा, 100% जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। जो राम को की भावना का हमारा हमेशा से विश्वास है कि राम और धर्म से राजनीति का वास्ता नहीं होना चाहिए। आपके जीवन स्तर से, आपके जीवन में के आर्थिक आधार पे, आपके जीवन के परिवार के पारिवारिक दृष्टिकोण में क्या बदलाव आर्थिक दृष्टि से आए, इस पर राजनीति का भरोसा होना चाहिए। तो भगवान लाखों लाख लोग जाएंगे, और मैं आप सबके सामने ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं, हमारे मध्य प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता एक साथ जाए, पर जब मंदिर की पूर्णता हो जाएगी, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, हम भगवान से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, उनसे अपने जीवन में एक शांति की स्वरूप बने जिससे हम समाज में अच्छा करें, इसके लिए ईश्वर के पास जाते हैं। अच्छा, इसी के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि भगवान राम के मंदिर में हम सब जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर बार जाएंगे, एकत्रित होकर जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस से जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की पूर्णता। गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति